एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जुजला पास के हवाले से काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही थी, उसके बाद ये आज की तस्वीरें हैं जो जुजला पास की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह पिछले दिनों ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली थी, उसके चलते जुजला पास में एक बार फिर काफ़ी हद तक बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। और उसके बाद जुजला पास में मौसम साफ होते ही फिर शदोमत के साथ स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू किया गया है। वहीं अभी शाम होते हमने SHO द्रास फाजिल अब्बास साहब से जुजला पास के हवाले से फ़ोन कॉल में बात करने की कोशिश की थी, और SHO द्रास फाजिल अब्बास साहब का फिलहाल यही मानना है कि आज प्रोजेक्ट विजय की ओर से और बेकन की ओर से जुजला पास में काम शदोमत के साथ किया गया है। वहीं आज मीनामरक साइट से द्रास मीनामरक साइट से जुजला पास में 0 पॉइंट तक काम जो है वो मुकम्मल किया गया है। वहीं SHO साहब का ये भी मानना था कि एक तरफ बेकन की ओर से काफ़ी तेज तरीन हवाओं की वजह से काम मुकम्मल ना हो सका, उनकी तरफ से भी काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन दोपहर के बाद तेज तरीन हवाओं की वजह से मैन मशीनरीज को काफ़ी काम करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद अब सोनामर्ग साइट से 4 से 5 किलोमीटर तक काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। तो ताज़ा अपडेट फिलहाल जुजला पास के हवाले से यही है कि जुजला पास को फिलहाल टेम्परेरी क्लोज किया गया है 9 तारीख से। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 तारीख को जो बर्फबारी हुई थी, उसके चलते कारगिल से श्रीनगर जाने वाली तमाम गाड़ियों को मीनामर्ग चेक पोस्ट से वापस किया गया था, लेकिन उसके बाद मौसम साजगार और साफ होने पर आज फिर शदोमत के साथ जुजला पास में स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो देखने को मिला है। और बड़ी अपडेट फिलहाल यही है कि जुजला पास में द्रास मीनामर्ग साइट से 0 पॉइंट तक काम जो है वो मुकम्मल किया गया है, वहीं बेकन की ओर से शदोमत के साथ काम किया जा रहा है। अब यकीनन उम्मीद यही की जा रही है कि मौसम साजगार और साफ रहा तो कल बेकन की तरफ से भी काम मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन देखने की बात यह होगी कि जिस किस तरह की ट्रैफिक एडवाइजरीज होंगी सभी लोगों को, जो पैसेंजर्स जुजला पास के इस पार फंसे हों या जुजला पार के उस पार फंसे हों, सभी लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो ट्रैफिक एडवाइजरीज होती है उन ट्रैफिक एडवाइजरीज को आप फॉलो करें, और उसके बाद देखा जाएगा कि आने वाले समय में कि ट्रैफिक का सिलसिला कहां से शुरू किया जाता है। फिलहाल एक बार फिर बड़ी कोशिशें प्रोजेक्ट विजय और बेकन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेहतरीन कोशिशें, और जुजला पास में इस वक्त शदोमत के साथ स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जुजला पास में जब भी स्नो क्लियरेंस का काम मुकम्मल होगा फिर आप सब लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।